Assalamualaikum, this is me, Dr AWAIS Ahmad. PMDC की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक अगर आप प्रीवियस ईयर के मार्क्स के बेस पे अप्लाई करोगे तो 3 साल तक आपको उस पे एडमिशन मिल सकता है। क्या ऐसा है ये कि मतलब प्रीवियस ईयर मैंने 185 मार्क्स ले लिए, अब 2024 में भी 185 मार्क्स मेरे काउंट होंगे या मुझसे कुछ मार्क्स की डिडक्शन की जाएंगी? इन सवाल को जानने के लिए एक काम करें, वीडियो को आखिर तक देखें और आपके जहन में जो सवाल है वो मेरे साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि पीएमडीसी वाले एग्जैक्ट मार्क्स काउंट करेंगे या मार्क्स की डिडक्शन करेंगे। तो पीएमडीसी वाले एग्जैक्ट मार्क्स को काउंट नहीं करेंगे, मार्क्स से डिडक्शन होगा। अब मार्क्स से डिडक्शन होगा लेकिन कितना, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए पीएमडीसी की तरफ से कोई एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट फार्मूला नहीं है। हर साल इसका फार्मूला वेरी करता है, वो उस साल के स्टेटिस्टिक पे डिपेंड करता है कि उस साल टेस्ट का स्टेटिस्टिक क्या रहा है, उसके बेस पे पीएमडीसी वाले एक इक्विवेलेंट फार्मूला बनाते हैं और उसके बेस पे आपके मार्क्स का अकॉर्डिंगली हिसाब किया जाएगा। जो मेजर फैक्टर है जिसके बेस पे पीएमडीसी वाले डिसाइड करते हैं इस इक्विवेलेंट फार्मूला को, वो है हाईएस्ट स्कोर, टेस्ट कितने मार्क्स पे टॉप हुआ। फॉर एग्जाम्पल 2023 में टेस्ट टॉप हुआ है 195 मार्क्स पे, अब इसी साल टेस्ट टॉप हुआ 185 मार्क्स पे, तो टोटल डिफरेंस कितना रहा दोनों के दरमियान, 10 मार्क्स का डिफरेंस रहा। अब हर वो स्टूडेंट जो इसी साल अप्लाई करेगा तो उसके मार्क्स से 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे, जो प्रीवियस ईयर मार्क्स के बेस पे अप्लाई करेगा उसके टेस्ट स्कोर से 10 मार्क्स पीएमडीसी वाले डिडक्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये कोई एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट फार्मूला नहीं है, मैंने कहा कि 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे, इक्विवेलेंट फार्मूला वो एवरेज स्कोर को देख के बनाते हैं कि एवरेज स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है, एवरेज स्टूडेंट ने ज्यादा स्कोर किया है या एवरेज स्टूडेंट ने कम स्कोर किया, एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट क्या है। दूसरी बात यह है कि वो इस फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं कि 90% से ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 80% से ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं और 70% से ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं। तो इन सारे स्टेटिस्टिक के बेस पे वो एक इक्विवेलेंट फार्मूला बनाते हैं और उसी इक्विवेलेंट फार्मूला में आपके मार्क्स को पुट किया जाएगा और उसे डिडक्शन की जाएगी। अब मैं आप लोगों को सिंपली समझाना चाहता हूं, अगर कोई प्रीवियस ईयर के मार्क्स के बेस पे अप्लाई करना चाहे तो उसके मार्क्स स्कोर से 10 to 15 मार्क्स डिडक्ट होंगे। सिंपली जो 2023 के मार्क्स पे अप्लाई करना चाहता है तो 2024 में उसके मार्क्स से 10 to 15 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।